कैसे हैं आप लोग भाई साहब। तो उम्मीद करते हैं कि भाई साहब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, अगर नहीं चल रही तो आप चल जाइए। ठीक है, कुछ बच्चों ने किताबें खरीद के पढ़ना शुरू कर दिया, कहेंगे सर 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 हम पढ़ लेंगे इस बार, अब हम करेंगे टॉप। आठवीं तो जैसे तैसे गई, नौवीं नहीं छोड़ेंगे। नौवीं में मम्मी पापा से वादा करा सर कि हम करेंगे टॉप, हम लाएंगे नंबर। भाई साहब नंबर तो तब लाओगे ना जब तुम्हें पता होगा कि पेपर में आ क्या रहा है। को बात तो सही है सर आपकी, पेपर में आ क्या रहा सर हमें पता है। कैसे पता है सर, पिछले साल का पेपर देख लिया था, पिछले साल सिलेबस कटा, इस बार भी कटेगा? ऐसा नहीं, इस बार सिलेबस नहीं कटा है। अगर तुम ऐसा सोच के जा रहे हो तो बेटा तुम्हारा कट जाएगा। तुम्हारा कटने से बचने के लिए हम आए हैं। ठीक है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका इंग्लिश का सिलेबस 9th क्लास का, कि किस तरीके से 9th क्लास के अंदर सिलेबस आ रहा है, किस तरीके से उस चीज़ को अप्रोच करना है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। देखिए, जैसे अगर हम बात करें तो क्लास 9th का जो सिलेबस है 2022-23 के सेशन का, उसके अंदर सेक्शन बढ़ेंगे ए बी और सी, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड लिटरेचर और टेक्स्ट बुक्स और सप्लीमेंट्री बुक्स। ठीक है, यानी पेपर के अंदर आप तीन पार्ट्स देखने वाले हो। सबसे पहला आएगा आपका रीडिंग सेक्शन, सेकेंड आएगा राइटिंग सेक्शन, थर्ड आएगा लिटरेचर और बुक्स। क्लियर? अगर हम रीडिंग स्किल्स की बात करें तो आपका एक पैसेज आने वाला है। ठीक है, टोटल 20 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का, दो दो दस दस मार्क्स के दो पैसेज आएंगे आपके। एक डिस्क्रिप्टिव पैसेज आएगा आपका और एक केस बेस्ड पैसेज आएगा आपका बेसिकली। ठीक है, दो टोटल लेंथ होगी दोनों पैसेज, वो 600-700 वर्ड्स होगी, यानी 600-700 वर्ड्स पढ़ने हैं आपको। ठीक है, इससे ज़्यादा ये आगे नहीं जाएगा। जो केस बेस्ड पैसेज होगा, सुंदर कुछ डेटा दे रखा होगा, कुछ चार्ट भी दे रखा होगा, कुछ पिक्स भी दे रखी है। अच्छा, आपको दोनों दोनों पैराग्राफ पढ़ने हैं। आज दोनों पैराग्राफ सर क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? देखो, इन्होंने पहले ही कह रखा है, ठीक है, कि हम मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन दे सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दे सकते हैं, जो इन्फ्लुएंस एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ठीक है, इवेल्यूएशन और आपके वोकैब को चेक करेगा, क्योंकि वोकैब सबसे इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि आपके पास जितनी ज़्यादा वोकैब होगी आप उतनी ही अच्छी किसी भी लैंग्वेज पर कमांड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखने वाले हैं वो। अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो 10 मार्क्स का आने वाला है सेक्शन बी आपका। ठीक है, जो ग्रामर सेक्शन है, ठीक है, ग्रामर सेक्शन 10 मार्क्स का। ठीक है, ये बाकी चार देखते हैं। टेंस है, मोडास है, सब्जेक्ट वर्ब कौन कौन है, रिपोर्टेड स्पीच है। क्लियर? ठीक है, ग्रामर सेक्शन 10 नंबर का आ रहा है, जिसमें टेंस है, मोडास है, सब्जेक्ट वर्ब कौन कौन है, रिपोर्टेड स्पीच है, कमांड है, कमांड रिक्वेस्ट है, स्टेटमेंट्स है, क्वेश्चन है, डिटर्मिनर्स है। ये आपको काफ़ी अच्छा बनाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या असेस करेगा आपकी इंटरप्रिटेशन कितनी अच्छी, आपकी वो कैप, आपकी ग्रामेटिकल, तो ये जो ग्रामर के ऊपर आपकी कमांड कितनी अच्छी, और इन्होंने खुद ही कह दिया देखो ये कैसे असिस्ट किए जाएंगे, चाहे गैप फिलिंग हो, एडिटिंग हो, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज हो, ये सब दिए जाएंगे। 10 out of 12 क्वेश्चन विल बी अटेम्प्टेड। ठीक है, 12 में से कोई भी 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पहले ही खुद कह के चल रहे हैं सीबीएसई वाले। ठीक है, चलिए, ठीक है, सीबीएसई के एनसीईआरटी का बेसिकली परफॉर्मा है। ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग स्किल आएगी आपकी 10 नंबर की। ठीक है, 5-5 नंबर के दो आपके चीज़ें आने वाली है, जैसे एक राइटिंग या डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आएगा आपका। ठीक है, 100 से 120 वर्ड का, जिसमें पर्सनल इवेंट, सिचुएशन और विजुअल चीज़ें होंगी, कोई भी दो चीज़ें करनी है इसमें से। एक डायरी एंट्री आएगी या स्टोरी आएगी। ठीक है, डायरी एंट्री या स्टोरी एंट्री आएगी, जो भी 5 मार्क्स से 1 out of 2 क्वेश्चन इज टू बी आंसर, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आंसर करना है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के अंदर से भी कोई एक करना है और नीचे वाले में से कोई एक करना है, यानी 5 नंबर का ऊपर वाला आएगा, 5 नंबर का आपका नीचे वाला आ रहा है, 10 मार्क्स हो गए। ठीक है, अब आता है सेक्शन सी, जो काफी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। सेक्शन सी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बेटा इसके अंदर आपका देखो एक्सट्रैक्ट आएगा ड्रामा या प्रोज से, यानी एक पैराग्राफ पर आएगा आपको उसको आंसर करना है। फिर एक एक्सट्रैक्ट आएगा आपको पोएट्री से। ठीक है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से पूछ सकते हैं, उसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इन्फ्रेंस है, एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है, एवेल्यूशन और वो क्या, यानी ये सारी चीज़ें इसके अंदर इवेल्यूएट होंगी और इन चीज़ों से ही आपके बारे में पता लगाया जाएगा भाई साहब। ठीक है, ये आपके टोटल टोटल जो सेक्शन सी आने वाला है वो अराउंड 40 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, तो उसके उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आप शॉर्ट और लॉन्ग आंसर की बात कर लेते हैं। 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चन करने होंगे BIE में से जो आएंगे, और वो 40 से 50 वर्ड्स के आएंगे। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, सॉरी चार क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, ठीक है, और 12 मार्क्स का टोटल टोटलाइजेशन हो गया। नेक्स्ट है 2 out of 3 शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, 3 में से कोई 2 करने हैं। ठीक है, 3 में से तो कोई 2 ही करने हैं। ठीक है, और इस तरीके से हम इसको मार्किंग करेंगे, 6 मार्क्स का हो गया। ठीक है, अब ये भी 40 से 50 वर्ड्स का आएगा आपका। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, कोई भी
दो में से एक लॉन्ग आंसर करना है जो आपका बिहेव में से आने वाला है, ठीक है, जिसके अंदर से क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, एक्स्ट्रापोलेशन ये देखेंगे अक्रॉस द टेक्स्ट बुक, यानी टेक्स्ट बुक से कुछ ज़्यादा आपकी क्रिएटिव एनालिटिकल थिंकिंग पे जोर देगा। दिस कैन बी पैसेज बेस्ड, पैसेज बेस्ड भी हो सकता है क्वेश्चन, टेकन फ्रॉम अ सिचुएशन, प्लॉट फ्रॉम द टेक्स्ट, एक टेक्स्ट बुक से प्लॉट उठाएंगे और उसके ऊपर आपको देंगे पढ़ने को और आपसे पूछेंगे अब आप इसको पढ़ के हमें समझाओ कि भैया आपको इससे क्या समझ में आया, या फिर अगर आप इस सिचुएशन में होते, ठीक है, तो आप क्या कैसे रिएक्ट करते, या फिर आपकी क्या सोच होती, ये हमें इसमें जानना है। नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपका आ रहा है मूवमेंट से आ रहा है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन है, एक्सट्रापोलेशन है, लेकिन इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, इसके अंदर आ रहा है बेटा कैरेक्टर स्केच, यानी इसमें कैरेक्टर स्केच ही पूछा जा सकता, ठीक है, तो 6, 2, 12, 6, 18, ठीक है, 18 और 12 आपका 30 मार्क्स का ये हो गया, ठीक है, 10 मार्क्स का हमने पहले देख लिया, ठीक है, तो 40 मार्क्स का हो गया, 20 मार्क्स के ऊपर हो गए, 20 मार्क्स की ग्रामर, यानी टोटल 80 मार्क्स हो गया। आप कहेंगे सर ये तो 80 मार्क्स है बेटा, 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट बेस होते हैं, जो आपको फाइल दी जाएंगी, आपका वाइवा होगा, ठीक है, आपका होमवर्क हो गया, आपके जो पूरे साल का जो रिपोर्ट बनेगी, परफॉर्मा बनेगा कि भैया आपकी टेस्ट में कितने मार्क्स आए, ठीक है, आपने कैसे परफॉर्म किया है, उन सब के बेसिस पे आपको नंबर दिए जाएंगे। क्लियर, चलिए अब सर ये तो बता दिए पेपर का, अब ये बताओ सर कौन कौन से बुक में से कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। देखिए बिहाइव में से आ रहा है द फन दे है, द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसके अंदर भी दो पार्ट है, बिस्मिल्ला खां है और एवलिन का एक चैप्टर है, द लिटिल गर्ल आ रहा है, अ ट्यूरी ब्यूटीफुल माइंड आ रहा है, स्नेक एंड द मिरर आ रहा है, माई चाइल्डहुड आ रहा है, रीच फॉर द टॉप आ रहा है, काठमांडू आ रहा है, और इफ आई वरी यू आ रहा है। पोएम्स की बात कर लेते हैं, द रॉड नॉट टेकन, विंड, रेन ऑन द रूफ, लैक ऑफ आयल ऑफ आइस फ्री, लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, नो मैन आर फॉरन, ऑन किलिंग अ ट्री, अ स्लंबर डिड माई स्पिरिट स्टील, से ये आपका आ रहा है। अब अगर मूवमेंट्स की बात करते हैं, द लॉस्ट चाइल्ड है, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो है, एक्सप्लोरिंग द स्टोरी टेलर है, ठीक है, किंगडम ऑफ फूल आ रहा है, द हैप्पी प्रिंस आ रहा है, लास्ट लीफ आ रहा है, हाउस इज नॉट अ होम आ रहा है, और द बैगर आ रहा है, यानी टोटल 8, 9, 9, 8, 17 हो गया, 17 और ये जो 8 है, ठीक है, यानी तकरीबन आपके 25 के करीबन चैप्टर आ रहे हैं, पोएम्स को, चैप्टर्स को, इन सबको मिला के 25 के अराउंड आपको चीज़ें पढ़नी है। अब सर ये इतनी सारी चीज़ें हम कैसे पढ़ेंगे, भैया आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं तो क्या गम है, ठीक है, हम हैं तो क्या गम है, आपको सारी की सारी चीज़ें आपको YouTube पे अवेलेबल करा दी जाएंगी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटे के बटन को दबा दो, ठीक है, और बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि भाई साहब क्वालिटी कंटेंट तो आप जानते हो कितना देंगे और कितना देते भी, ठीक है, और तो और क्या करना है आपको, बस फॉलो करते रहना है, ठीक है, और क्लास मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, लव यू टू गाइज, ठीक है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।